पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कमर कस ली है। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों के मुकाबले के लिए जय हिंद वाहिनी संगठन बनाने का फैसला किया है। इसके चलते तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कालीघाट के अपने घर पर कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई है। बताया जा रहा है कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। मीटिंग में फैसला किया गया है कि सीएम खुद 7 जून से उन सभी क्षेत्र के नेताओं से मुलाकात करेंगी जहां पर उनकी पार्टी को शिकस्त मिली है। बैठक में तृणमूल कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए एक्शन प्लान भी बनाया है। पार्टी अपने इस संगठन का बूथ लेवल तक विस्तार करेगी। वहीं ममता ने टीएमसी नेताओं को नियमित रूप से पार्टी कार्यालयों का दौरा करने और लोगों के साथ बातचीत करने के लिए कहा है। उन्होंने एक साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया है जिसमें कैबिनेट मंत्री सहित वरिष्ठ नेता तृणमूल भवन मुख्यालय में मौजूद लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। इसी कड़ी में सीएम ने कहा है कि वो उन जिलों के नेताओं से बातचीत करें जहां टीएमसी को उलटफेर का सामना करना पड़ा है।